अब जो है अगर अपन बात करें तो अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बाकी सारी चीजों तक कवर कर ही ली है। आइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपन ने आठ की आठों प्रॉपर्टी पर डाली और उन आठों प्रॉपर्टी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे एप्लीकेशन भी अपन ने कर डाले। तो ये कोई बहुत खास बात नहीं, अपन ने कर लिया। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज आती है जिसको कहते हैं सॉल्विंग इक्वेशन इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तरह तरह की बहुत अच्छी इक्वेशंस बन सकती है। आइए कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करें और थोड़ा सा थॉट बनाएं, माइंड सेट बनाएं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सुनो ध्यान से, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, इस क्वेश्चन को मान लीजिए अपने को सॉल्व करना है। अब दो ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैं क्या थॉट इस पर दूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे तो साइन इनवर्स एक्स की शक्ल भी ठीक है और साइन इनवर्स टू एक्स की शक्ल भी ठीक है। अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन जनरल क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ने या घटाने के लिए हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टेन इनवर्स में और फिर कंडीशन लगा के जोड़ घटा देते हैं, बात बन जाती है। पर यहां पर ऐसा नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से, जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी तो हम कंडीशंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कंडीशंस लगाएंगे तो इक्वेशन सॉल्विंग बहुत लंबी हो जाएगी। बल्कि हम लोग क्या करेंगे, बिना कोई कंडीशन लगाए जनरल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब चूंकि आप जनरल फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लास्ट में गलत सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपन हर सॉल्यूशन को रख के चेक करेंगे। ये मेथड यहां लिख रहा हूं, इस पर ध्यान देना, व्हाइल सॉल्विंग इक्वेशंस वी डू नॉट अप्लाई कंडीशंस, इंस्टेड वी सॉल्व देम बाई जनरल फॉर्मूलाज एंड बैक चेक एवरी आंसर। इस बात पर ध्यान देंगे, अपन लोग कंडीशन नहीं लगाएं, क्योंकि अगर कंडीशन लगा लगा के जोड़ जोड़ के करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन होएगा नहीं। बल्कि अपन जनरल फॉर्मूलों का डायरेक्टली यूज कर करके, बल्कि हम लोग जनरल फॉर्मूलों का डायरेक्टली यूज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जनरल फॉर्मूलों का डायरेक्टली यूज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जनरल फॉर्मूलों का डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, जनरल फॉर्मूलों का डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद क्या करेंगे। अब आपको आंसर सही भी मिल सकता है, गलत भी मिल सकता है, क्योंकि आपने कंडीशन तो लगाई नहीं है, आपने तो जनरल फॉर्मूला लगाए हैं। तो हर आंसर को रख के चेक कर लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन करके बताते हैं। यार इन दोनों में से ज्यादा अच्छी शक्ल किसकी है, वैसे एक्स और टू एक्स दोनों ही ठीक है लेकिन एक्स ज्यादा ठीक है, तो हम क्या करते हैं ज्यादा ठीक वाले को उधर ले आते हैं और दोनों ओर साइन ले लेते हैं। डायरेक्ट भी साइन ले सकते थे, डायरेक्ट भी साइन ले सकते थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स आ जाएगा। यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन पाई बाई थ्री कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस पाई बाई थ्री साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, चलो देखिए क्या बनता है। साइन पाई बाई थ्री साइन 60 डिग्री रूट थ्री बाई टू, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको निकालेंगे, इसको सिखाया हुआ है, कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान के, कॉस पाई बाई थ्री कॉस 60 डिग्री हाफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, हाफ एक्स को इधर ले आएंगे तो टू एक्स प्लस हाफ एक्स 5x बाई टू, ये बन जाएगा रूट थ्री बाई टू और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू से टू कट जाएगा, दोनों ओर स्क्वायरिंग कर दें तो 25x स्क्वायर 3 × 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर 3 − 3x स्क्वायर यानी 28x²3। तो यहां से x की वैल्यू आई पॉजिटिव रूट 3/28, ये x की वैल्यू आई नेगेटिव रूट 3/28, x की वैल्यू आई
यदि पॉजिटिव रूट थ्री बाई ट्वेंटी एट या एक्स की वैल्यू आई नेगेटिव रूट थ्री बाई ट्वेंटी एट। अब चेक करना पड़ेगा, चेक करने में कॉमन सेंस का काम करें। देखो ये नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी मैं समझाता हूं, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव ले लोगे तो साइन इनवर्स नेगेटिव एक नेगेटिव एंगल आएगा, और एक्स नेगेटिव ले लोगे तो साइन इनवर्स नेगेटिव एक नेगेटिव एंगल आएगा, और दो नेगेटिव एंगल मिलके कभी भी पॉजिटिव एंगल नहीं बन सकते, और दो नेगेटिव एंगल मिलके कभी भी पॉजिटिव एंगल नहीं बन सकते। कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन सब बच्चे देखें, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस सॉल्व करने को बोला गया है टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू बाय एक्स स्क्वायर। चलिए वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस लगाते, लेकिन अब हमें गुरुजी ने बता दिया है कोई कंडीशन नहीं लगानी, डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको जोड़ देंगे तो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स वन माइनस वन प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू बाय एक्स स्क्वायर। इसका टेन इनवर्स अगर इसके टेन इनवर्स के बराबर है तो अंदर वाली चीजें बराबर होनी चाहिए, या एलसीएम ले लीजिए तो वन प्लस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस एट एक्स आ गया, नीचे कितना निकल के आएगा वन प्लस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स माइनस वन, ये बराबर हो जाएगा टू बाय एक्स स्क्वायर के। टू का फैक्टर काट देते हैं तो यहां आएगा वन प्लस फोर एक्स, नीचे इसको खोलेंगे तो एट एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, ये आ गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर। नीचे से एक्स को काट दीजिए, नीचे से एक्स को काटने में कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में वैसे भी एक्स नहीं होना चाहिए, तो वन प्लस फोर एक्स होल अपॉन एट एक्स प्लस सिक्स इज वन बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, फोर फाइव सिक्स, यहां जोड़ने में गड़बड़ हुई है, ये सिक्स एक्स होगा तो ये थ्री आएगा, ये फोर एक्स नहीं होगा ये थ्री एक्स होगा, क्योंकि अब एलसीएम लेंगे तो वन प्लस टू प्लस सिक्स एक्स आ जाएगा, नीचे सारा सही है, फोर टू द एट एक्स स्क्वायर और फोर एक्स टू एक्स सिक्स एक्स माइनस वन कट गया, टू से कट गया बिल्कुल सही। ओके अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स प्लस सिक्स आ जाएगा, क्या क्वाड्रेटिक बनी थ्री एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। हाँ ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको ध्यान देखें तो एक बार चेक कर लें कहीं कुछ एरर वर तो नहीं हो गया, वन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ एरर हुआ है, टू प्लस एक्स स्क्वायर नहीं मेरे ख्याल से न्यूमरेटर बिल्कुल सही है, यही एक एरर था, टू से अपन ने काट दिया तो ये काम बन गया वन प्लस थ्री एक्स, तो ठीक है यहां पर निकल के आ गया, चलिए ठीक है ये बन गया हमारे पास। ओके अब हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, सिक्स थ्री था एटीन नाइन और टू तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, यहां से थ्री एक्स कॉमन लेंगे कितना आएगा एक्स माइनस थ्री, यहां से टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस थ्री, तो थ्री एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आई एक माइनस टू बाई थ्री और थ्री। देखो ऐसे सॉल्व करने का फायदा क्या है, अब आपको एक्स की एग्जैक्ट वैल्यूज पता है तो अब आप एक्स को एग्जैक्टली रख रख के चेक कर सकते हो। आइए अगर माइनस टू बाई थ्री रखते हैं तो यहां आएगा माइनस फोर बाई थ्री, माइनस फोर बाई थ्री तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टू बाई थ्री रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्स को माइनस टू बाई थ्री रखने पर ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, और दो नेगेटिव एंगल मिलके पॉजिटिव एंगल नहीं दे सकते, दो नेगेटिव एंगल मिलके पॉजिटिव एंगल नहीं दे सकते, इसे दोनों के दोनों वो आ जाएगा। अब एक्स इक्वल टू थ्री रख के देख लें तो थ्री यहां रखते हैं तो वन अपॉन थ्री टू सिक्स सेवन और ट्वेल्व थर्टीन वन बाई थर्टीन सेटिस्फाई कर जाता है,
तो इसका एकलौता आंसर निकल के आएगा x इक्वल टू 3। कॉपी करिए। क्वेश्चनों में मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि फाइनल आंसर को बैक चेक करना ना भूलें, फाइनल आंसर को बैक चेक करना ना भूलें। आइए एक और क्वेश्चन करें, बस चैप्टर अंत की ओर है। यहां पर आ जाएगा टैन इनवर्स x माइनस 1 प्लस टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3x। आइए इसको सॉल्व करें। टैन इनवर्स x माइनस 1 प्लस टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3x। ये आ गया हमारे पास निकल के। चलिए इसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या सोच रहा हूं कि टैन इनवर्स x और टैन इनवर्स 3x एक जैसा है, तो क्यों ना x माइनस 1 इनको तो एक साथ ले लें एंड टैन इनवर्स 3x इनको एक साथ ले लें। क्यों ना इन दोनों को एक साथ ले लें, एक जैसे हैं, और इन दोनों को एक साथ ले लें, एक जैसे हैं। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका tan इनवर्स इसके tan इनवर्स के बराबर है तो दोनों क्वांटिटीज बराबर होनी चाहिए, तो ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और ये बन जाएगा। यहां पर आ जाएगा 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर। अगर न्यूमरेटर से 2x काट रहे हैं तो 2x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 लें। जब भी आप न्यूमरेटर से कोई फैक्टर काटेंगे, जब भी आप न्यूमरेटर से कोई फैक्टर काटेंगे तो अलग से वो फैक्टर इक्वल टू 0 लेंगे। जब भी आप न्यूमरेटर से कोई फैक्टर काटेंगे तो अलग से वो फैक्टर इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर से कोई फैक्टर काटेंगे तो उसको इक्वल टू 0 मत लीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जब भी आप न्यूमरेटर से कोई फैक्टर काटेंगे तब आप उसको अलग से इक्वल टू 0 लेंगे, ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा ये चीज हमारे पास निकल के आ गई है। आइए रेसिप्रोकल ले लें, तो यहां आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस 3x स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हाफ और x की वैल्यू माइनस हाफ। तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन निकल के आए हैं। आइए तीनों धड़ाधड़ रख के चेक करें। अब तो आपको x की एग्जैक्ट वैल्यूज पता है, 0 रख दीजिए सेटिस्फाई कर रहा है, हाफ रख दीजिए माइनस हाफ, हाफ रखेंगे माइनस हाफ कट जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। जब आपको x की एग्जैक्ट वैल्यूज पता है तो आप एग्जैक्ट एक्चुअल कंडीशन लगा सकते हैं। जब आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो आप एग्जैक्ट एक्चुअल कंडीशन लगा सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब बच्चे क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन कहता है इसके सॉल्व करने हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। चलिए ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। चलिए बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स माइनस एक्स कोई विशेष चीज नहीं है, यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और इसको उधर ले आते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। दोनों ओर कॉस थीटा लगा दें तो कॉस ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। आइए एक एक साइड को सॉल्व करें। कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, और जो कि 1 माइनस एक्स ही बन के आ जाएगा, कोई खास बात नहीं। इसको कॉस 2 थीटा की तरह सोचें, कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2
साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस टू थीटा की तरह सोचें, या फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला वैसे आपको पता होगा, 1-2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां ध्यान देंगे तो 1-2 एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, कोई इसमें खास बात नहीं है। 1 से 1 को काट दें, माइनस से माइनस को काट दें, तो 2x² = x, तो 1x = 0 आ गया और 1x = ½ आ गया। आइए दोनों को चेक कर लें, पुट करके चेक कर लेना है। 0 रख दें तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हाफ रख दें, x = ½ रख दें तो यहां साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा प्लस कॉस इनवर्स हाफ आ जाएगा और यहां पर साइन इनवर्स माइनस हाफ आ जाएगा। अगर हाफ की हम लोग बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान दें, हाफ की, हाफ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ ये तो पॉजिटिव एंगल होगा, जबकि अगर हाफ रखेंगे तो यहां नेगेटिव एंगल आ जाएगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर आपको केवल एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, √1 + cos 2x = √2 × sin inverse sin x। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, कहां से कहां, −10π से 10π। हमको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं −10π से 10π। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग निकालना चाहते हैं। आइए बात करें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पर। हाँ चलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पर बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारे उसी पुराने कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो पुराना एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था बहुत पहले, कि fx = gx के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितना y = fx एंड y = gx के ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट, उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने y = fx एंड y = gx के ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। चलिए तो इस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने y = this and y = this, बल्कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, √2 गायब हो जाएगा, 1 + cos 2x बन जाएगा 2 cos²x। बहुत सही, तो बन जाएगा √2 mod cos x। कुछ बच्चे यहां से मॉड खा जाते हैं, बाद में IIT वाले उन्हें खा जाते हैं, √2 से √2 काट दीजिए, तो mod cos x sin inverse sin x। बहुत सही, तो इस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितना y = mod cos x and y = sin inverse sin x, उतने ही सॉल्यूशन होंगे जितने कि इन दोनों ग्राफों के इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमकवा से काम लीजिए। देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसका पीरियड होता है 2π और इसका पीरियड होता है पाई, तो कुल मिला के एलसीएम आता है 2π। यानी अगर ध्यान से देखें तो 2π के बाद तो पूरा ग्राफ रिपीट करेगा ही करेगा, यानी अगर ध्यान से देखें तो 2π के बाद पूरा ग्राफ रिपीट करेगा ही करेगा। −10π से 10π अगर इसको लें तो इट कंटेन्स 10 मल्टीपल्स ऑफ 2π। −10π से 10π को कुल मिला के अगर देखें तो 10 मल्टीपल ऑफ 2π है। तो हम चालाकी करते हैं,
हम जीरो से टू पाई में इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, जीरो से टू पाई में इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं कि जीरो से टू पाई में इनके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे। इधर देखिए सब बच्चे, ये रहा जीरो पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई। मॉड कॉसेक्स का अगर ग्राफ बनाएं तो मॉड कॉसेक्स का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मॉड कॉसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू वन, वैसे तो ग्राफ ऐसा बनता है, हम लोग जानते हैं फर्स्ट और सेकंड एक ऐसा ग्राफ बनेगा ऐसा, लेकिन नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर आ जाएगा। ये बन गया, ये किसका ग्राफ बना मैंने, ये बनाया मॉड कॉस एक्स का। अब हम ग्राफ बनाएंगे साइन इनवर्स साइन एक्स का, इसी पन्ने पर साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स की ये तो वाई इक्वल टू वन है, पर साइन इनवर्स साइन एक्स की ज्यादा मार्कर नहीं लेकिन रेड मार्कर का फिर भी यूज करेंगे। साइन इनवर्स साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू आएगी, जो कि वन से बड़ी होगी, जो कि वन से बड़ी होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू आती है। यहां पाई बाई टू लिखा है और यहां पर माइनस पाई बाई टू लिखा है। ये मैं तैयारी कर रहा हूं किसका ग्राफ बनाने की, साइन इनवर्स साइन एक्स का। साइन इनवर्स साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू होगी। आइए इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ वेल नोन है, पाई बाई टू पर ग्राफ y इक्वल टू एक्स आ जाएगा, उसके बाद पहाड़ बनते चले जाते हैं और फिर से टू पाई पर ये देखिए, ये मैंने ग्राफ बना दिया है किसका, ये ग्राफ बनाया है साइन इनवर्स साइन एक्स का। क्या ग्राफ हमको पहले से पता है, बिल्कुल पहले से ही नोन है। जीरो से टू पाई के अगर इंटरवल में देखें तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन वन पीरियड, एक पीरियड में वी गेट टू सॉल्यूशंस, तो 10 पीरियड हो जाएंगे, माइनस 10 पाई 10 पीरियड्स। सो इन 10 पीरियड्स वी गेट 20 सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की जाए तो इस इक्वेशन के माइनस 10 पाई से 10 पाई के बीच में कुल मिला के 20 अलग अलग सॉल्यूशन निकल के आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, 20 डिफरेंट सॉल्यूशंस, टोटल 20 डिफरेंट सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ सब बच्चों को, छाप लीजिए। एक और बहुत अच्छा सवाल, सब बच्चे ध्यान देखेंगे, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 टाइम्स समेशन, दिखने में ही भयानक है, एन इक्वल टू वन से इंफिनिटी, और अंदर लिखा है 1/π समेशन के इक्वल टू वन से इंफिनिटी, कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स के अंदर तो इतना भयानक चीज लिखी हुई है, 1+2 टाइम्स रूट ऑफ डन समेशन आर इक्वल टू वन से के आर क्यूब और इस पूरे की पावर एन। चलिए, दिखने में ही भयानक है बाकी करने में बिल्कुल ललुआ है। आइए अंदर की ओर से शुरू करते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखें इस हिस्से को, अगर अपन देखें, ध्यान देखिए, समेशन आर इक्वल टू वन से के आर क्यूब, ये बन गया 1³ + 2³ करते करते के क्यूब, शुरू के के क्यूब नेचुरल नंबर का सम, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन यहां इसका रूट है तो इसका भी रूट है, तो इसका भी रूट है, तो इस हिस्से की वैल्यू
एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ जाएगी। अब आइए पहले मैं इस हिस्से को सॉल्व करूंगा अंदर को, तो अंदर लिखा है वन बाई पाई समेशन के इक्वल टू वन से इंफिनिटी कॉट इनवर्स। इस चीज को यहां रख देता हूं इसकी जगह पर, तो ये बन जाएगा वन प्लस एन इंटू एन प्लस वन। बहुत सुंदर, बहुत सुशील। अब ये चीज बन गई के इक्वल टू वन से इंफिनिटी कॉट इनवर्स को धक्का दीजिए, ये बन गया टैन इनवर्स। वन प्लस एक्स इंटू वाई दिख रहा है तो यहां पर एन प्लस वन माइनस एन कर देंगे, ऊपर वन था। ओहो, बरसात के लिए बादल तैयार है। टैन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टैन इनवर्स एन। अब समेशन ऑपरेशन लगा दीजिए वन बाई पाई। इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालने के पहले एन टर्म का सम हम निकालेंगे। इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म का सम हमको निकालना है, लेकिन कभी भी डायरेक्ट इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकालना चाहिए, तो हम एन टर्म का सम निकालेंगे। तो हम यहां शर्त लगा देंगे लिमिट एन अप्रोचेज इंफिनिटी वन से एन, एन इंफिनिटी आ रहा है, टैन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टैन इनवर्स एन। चलिए अब इसको अलग से इवेलुएट कर लेते हैं। टी वन अगर मैं लिखता हूं इसके लिए तो बनेगा टैन इनवर्स के, या एन प्लस वन आ रहा है के तक का सम, वेरिएबल मिसप्लेस हो गया है, के तक का सम के करके आएगा। तो यहां जब रखेंगे, अरे रे रे, अभी तो मिसप्लेसमेंट ऑफ वेरिएबल में मजे आ जाते। के यहां पर ये सब के हो जाएगा, तभी तो के का वेरिएशन हम ले पाएंगे, और यहां पर भी के। चलिए अब ये बन जाएगा के की वैल्यू वन रखेंगे तो टैन इनवर्स टू माइनस टैन इनवर्स वन, ये बन जाएगा टैन इनवर्स थ्री माइनस टैन इनवर्स टू। करते करते टी एन बन जाएगा टैन इनवर्स एन प्लस वन माइनस टैन इनवर्स एन। बहुत सही, यहां पर बारिश होगी, ये सारे बह जाएंगे, तो इसका सम आ गया निकल के टैन इनवर्स एन प्लस वन माइनस पाई बाय फोर। टैन इनवर्स वन, अगर एन को इन्फिनिटी रख देते हो आप, अगर एन को इन्फिनिटी रख देते हो आप, तो टैन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय फोर, पाई बाय टू, पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, तो आ गया वन अपॉन पाई इंटू पाई बाय फोर, तो ये चीज वन बाय फोर आ गई। फाइनली अंदर वाला पूरा मसाला वन बाय फोर आ गया, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये 50 टाइम्स वन से लेकर इंफिनिटी तक वन बाय फोर की पावर एन है। तो ये बन गई इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो, तो ये बन जाएगा 50 इंटू वन बाय फोर होल अपॉन थ्री बाय फोर, जो कि आ जाएगा 50 बाय थ्री। कॉपी कर लीजिए।